रमन सतगुरु तेरा ही आसरा कर आओ मेरे मीत, तुम 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 रे दोखी हरी आप निवारे, तुम रे दोखी हरी आप निवारे, अपदा पाई बतीत, तुम कर आओ मेरे मीत, तुम कर आओ मेरे मीत। जिन तुम भेजे तिने बुलाए सुख सैसे दी करिया, जिन तुम भेजे तिने बुलाए सुख सैसे दी करिया, आनंद मंगल गुण गाओ सहज तुन ने चल राज कमाओ, ने चल राज कमाओ, तुम कर आओ मेरे मीत, तुम कर आओ मेरे मीत। असीं जिहड़ी भगती करदे हां इहदा असल मतलब की है, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਰੀਤਾਂ ਚ ਫਸੇ ਪਏ ਆ, ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਨੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨੀ ਸਕੱਤ ਮਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਆ, 84 ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਪਤੰਗੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਹਾਥੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੋੜੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਨਰਕਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਮਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣ, ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਜਨਮ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਪ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਯੱਗ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਯੋਗ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਨੇ 60,000 ਸਾਲ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਤਪੱਸਵੀ ਹੈ। 60,000 ਸਾਲ ਮੈਨਕਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਦੀ ਕਾਬੂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਸ੍ਰਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ 88,000 ਸਾਲ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਪੌਣ ਹਾਰੀ ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਜੀ ਮਾਰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਪ੍ਰਾਚਰ ਜੀ ਪੂਰਨ ਯੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣ ਫਸ ਜਾਣ ਕਈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕੋਈ। ਪੂਰਨ ਯੋਗੀ ਮਸ਼ੋਦੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮਛੰਦਰ ਇਸ ਦੇਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗੀਏ, ਰਾਜਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਸਮ ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗੇ ਰਾਜਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰਿੰਗ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਚਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮਛੰਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵੇ ਛੁਡਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੇਵ ਸਭੀ ਕੋ ਗੁਰਦੇਵ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੋ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ
कबीर साहब ने फरमाया आपे दारमदारी मेरा सतगुरु आपे खेल खिलाड़ी हो, गगन मंडल का तंबू तनाया धन गलीचा डारी हो, चांद सूरज तो मसाल बना दिए तारों की फलवाड़ी हो, पेड़ पेड़ में पानी लगावे आप बने खुद माली हो, जर जर जिंदगी ताकत दे रहे सब दे अंदर है केड़ा है किथे रहिंदा है तो लोकी ते पार चौथे लोक रहिंदे सुन हिरदे सतगुर सहदानी सतगुर सतपुरुष को जाने रहिंदा किथे है चौथे पद में करे निवासा तीन लोक में काल का वासा तो लोकी तक काल लगा है ऐसी रोज ये शब्द गाने हुण भी इन्हें गाया सी इन घोगड़ा सी रे तीन लोक और चरण होने इस गोबर का राज आया अचानक क्यों पकड़ेगा जो चिड़े ने बास सोच लो बड़े बड़े खा गए चौथे लोग चिरंदा है अंदर निको रुकावट ने अंदर गए जो लोग निशंदर मारा गया ना मारा गया गुरु नानक साहब ने बिखड़े दाव ना मेरा सतगुरु सुख सह सि कर जाते अंदर बिखड़े दाव ने गुरु नानक साहब खुद अकाल पुरख आए जब वापस जान लगे रिधि सिद्धि के न चाह उन्होंने चालते वाकफ से निकल के बाकी की ताकत निकल जाए सोचो ओ गुरु मुक्ति दाता रुकी है शब्द नाम वाणी कलमा कलाम लाही वर्ड किमें उन्हें प्राइम मिनिस्टर बोले एक मिनट चवाज सारे फैल जो जिन अफसर तलक है वो कम करने लग जाएंगे उन्हें तो उन्हें देखा भी नहीं होना किने कम कराया उदे हुक्म ने उदे आवाज ने उदे शब्द ने इस तरह मालिक का हुक्म सारी है जल्द मुतलक सिर पर हुक्म हो नकार हुक्म न क्या जाई हुक्म हो जिया हुक्म मिले बड़े आई हुक्म का जार हुंदा जब कोई बोले शब्द शब्द धरती शब्द आकाश शब्द शब्द प्रकाश शब्द लय न कहें नाम नाम के धारे सगले जान नाम के धारे खंड ब्रह्मंड इस करके गुरु नानक साहब कहते तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला शब्द गुरु सुरदन चेला कबीर साहब ये कहने शब्द गुरु को कीजिए बहुत गुरु लवार अपने अपने स्वाद में ठौर ठौर बटमार तुलसी साहब ने कहा सुरत शेष शब्द गुरु मिल मार्ग जाना हो अलख आकाश उंदा कुआं तामे सुर समान में हो पट साहब ने कहा धुनाने जो कहूंगी सो मेरा गुरुदेव ये विष्णु किताबा जो शब्द गुरु सुरती तुम चेला वो शब्द लफ्ज नहीं जे इन्हों लफजा च हो तो मालिक की कम ना दोस्ती होगी ना दुश्मनी होगी वो लिखण पढ़ ते परे है चिहन बानी छाया माया नानक शब्द पिछाने शब्द शब्द सब को कहे बह तो शब्द बदे जीबा पर आवे नहीं निर पर कर ले लिखण पढ़ की चीज नहीं कुदरती आवाज है मालिक की कुदरती आवाज है लेकिन पंडित परे है सारी रचना करने वाली है ग्रंथ साहब कहते ने सतगुरु मेरा बेमोहताज सतगुरु मेरा सच्चा सास मेरा सतगुरु बेमोहताज है सबने बनाने वाला है बाहर बाहर चल गए लियाओ 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 महात्मा चरणदास कहते गलियारे गुरु फिर था घर कर कंठी ते और ताज उनको नहीं हित कान फुमका गिरजागत का राम मिलावन और सो सतगुरु को जानिए मुक्त दुखावन ठा मुक्ति वाला वो है शब्द अंदर है सोचो जिस वक्त मौत आई मौत अंदर जमदूत अंदर आत्मा अंदर और रोंदा है कलांदा है असी कोल बैठे को मत कर सकते हैं उस वक्त तरनस्थान बाहर तीर्थ वगैरह बाहर बाहर वाले गुरु बाहर कौन छिड़ा रहे वो अंदर वाले किसी ने खुश ना की जमदूत भी दिखाई नहीं देंदे आत्मा भी नहीं दिखाई नहीं देंदी देख लो इस तरह गुरु भी अंदर है ये विद्या दे अंदर है इस तरह हो है कि मैं फंसे असि कि मैं चुरासी भुगतते हैं गुरु नानक साहब कहते ने कि पहला वो मालिक अपनी मस्ती च आप ही मस्त सी ना कोई खंड ब्रह्मण सी ना त्रिलोकी सी ना त्रिलोकी नाथ सी ना ब्रह्मा सी ना विष्णु सी ना शिव सी ना गोरख सी ना नाथ सी कुछ भी नहीं सी फिर ओदी मौज होई कि मैं सी रचना करा ते कलोर होई एक आवाज होई मुसलमान कहते हैं अल्लाह ने क्या फीकुन हो जा सारी दुनिया बन गई शम्स तेज कहता है आलम असा जहूर ग्रिर असा जहूर साध नूर ग्रिर कि सारी दुनिया एक आवाज तो पैदा हुई है
उसे तो सारा नूर पैदा होया। ईसा ने कहा कि शुरू च वर्ड सी, कलाम सी, कलाम खुदा दे नाल सी, कलाम ही खुदा सी, कलाम ने सब कुछ बनाया, बगैर कलाम दे कुछ नहीं बने। फिर उस आवाज तो दो ताकत पैदा होंगी, काल अकाल खसम का कीना ए परपंच वधा। अकाल वो ताकत है जिन्हों से काल पुरख कहने हैं, सतपुरख कहने हैं, जिन्हों सतगुर कहने हैं, जिहड़ा मालिक का अपना रूप है, जिहड़े हमेशा कायम है, जिहदे विच कदे कोई तब्दीली नहीं आई, जिन्हों गुरु नानक साहिब ने कहा आज सच जुगा सच छपी सच नानक होसी भी सच। काल का दायरा फना तक है, उन्होंने रचना करने का हुक्म दिता, खंड पाताल दीप सब लोहा सब काले वास आप प्राप्त किया, नीचे लेख सदा विनाशी सो नीचे जो तिस्ते आएगा। हूं जिस तरह कोई कारखाना चलाउंदा है, पहले मैनेजर रखता है, इंजीनियर रखता है, क्लर्क रखते हैं, फिर देखते हैं अकाउंट रखते हैं, फिर देखते हैं कारखाना फेल ना हो रिजर्व फंड वगैरह भी रखते हैं। इसी तरह काल ने शर्त लिया ने क्या चलाने वास्ते कि जेडे तेरे फकीर हो करामत ना चाहते हो दिखाएंगे, किसी ने पिछले जन्म की खबर ना हो, जे सानू पिछले जन्म की खबर हो भी आप पाप किया नुकसान किया अगर है तो वो सजा भोगद फिर अगे करा जिथे जिथे है उ राजी रहे। कृष्ण वार नारद ने कहा थोड़े पास इन्हें सुरग है ये जीवन लै जो, कहना कोई जान तैयार नहीं, तो सुगह जाने तैयार नहीं, फिर नहीं फिर अखिलिया अगे सूरज जाता से हम कह लगा भी सुरग जलाइए कि उत्थे की है कि बहुत सुख ने जन्नत, कहने सूरी ने सलाह करना सूरी को गए कहते उत्थे गंद है रूढ़िया हैं अगर नहीं फिर असं की खावे साडा यह हाल उत्थे जाने कोई तैयार नहीं। फिर होर की किया उन्हें करमां दा जाल पाया, पाप पुन बीज की पोटे बीज है जी ना दुनिया चलती है चाहे चंगे ने चाहे माड़े ने, जेडे कर्म ने चाहे चंगे ने चाहे माड़े ने इहदे वास्ते बीज चलाउण वास्ते ने। यही महात्मा चरण दास कहिंदे ने पाप पुन के सत्य ठहरा ब्रह्मांड इन तो नकमिट हो खंड खंड, विले जन को था पाप उनकी सूझ सोयत्र भाव जाल से बहुते रहे रूझ। सारी दुनिया चुलजी पई है सोच लो, सारी दुनिया पाप और पुण्य चुलजी पई है, जे चंगे कर्म किते चंगी जुनिया च गया सुरग च गया, माड़े किते नरक च गया गंदी जुनिया च गया, उत्थे तो सजा भोगते या उत्थे सुख होए फिर चुरासी तैयार है, और उन्हें किया छुटकारा उत्थे भी नहीं, शांति उत्थे भी नहीं, सुरग च भी नहीं, जे सुरग सुरग तो सारे करते ने उत्थे भी शांति नहीं। पढ़ सब जुने सरदार हां हां जी गुरु तेरा यार ये विशेष योग लिखा सुनो हर जीव अपने चंगे कर्मों के अनुसार भोग अते सुख भोगदा है, ये भोग अते सुख इस दुनिया तो हजारा गुणा वध हन, जिन्हां लोकां ने बहुत उत्तम पुन किते हन उन्हां नूं उत्तम सुख मिलदे हन, जिन्हां ने मध्यम पुन किते हन उन्हां नूं मध्यम सुख ते भोग मिलदे हन, जेड़े कनिष्ठ पुन वाले हन उन्हां नूं कनिष्ठ सुख अते भोग मिलदे हन, उत्थों दे भोगां दी म्याद इस दुनिया दे भोगां दी निस्बत वध है, परंतु उत्थे भी काम क्रोध द्वैत ईरखावाजी मौजूद है, जेड़े अपने तो उच्चे बैठे दिसदे हन अते उत्तम सुख भोगदे हन उन्हां नूं देख के ईरखा पैदा हुंदी है, उन्हां दी श्रेष्ठता सही नहीं जांदी, जेड़े अपने बराबर बैठे हन उन्हां नूं देख के क्रोध उत्पन्न हुंदा है कि मेरे बराबर क्यों बैठा है, जेड़े अपने तो थल्ले बैठे हन उन्हां नूं देख के अभिमान पैदा हुंदा है कि मैं इन्ना श्रेष्ठ हां। साडा भी हाल है उत्थे भी हाल, जद कीते गए पुन दा फल भुगत जांदा है फिर उस नूं मृत लोक विच सुट दिंदे हन, ते खिन भी रहन नहीं दिंदे, नहीं रहन दिंदे,
ਕਿਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀੜਾ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦੋਨੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਸੁਣੇ ਰਾਹੀ ਤਾਂ ਜੇਲ ਦਾ ਜੇਲ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਤਮਾ ਤਿੰਨ ਸ਼ੀਰਾਂ ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨ ਸ਼ੀਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਮੰਡਲਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸ਼ੀਰ ਹੈ ਸੂਕਸ਼ਮ ਮੰਡਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਲਾਤੇ ਹੋਰ ਮਨ ਚੌਕੀਦਾਰ ਉਹਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਤੇ ਭਟਕਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਮਤਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੈਂਗਲ ਸੱਕ ਦੀਵਾਨਾ ਬਨਖੰਡ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈਰਾਨਾ ਇਤੋਂ ਚਾਲੇ ਕਾਲ ਕੇ ਚਾਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲੈ ਕਰਾਪੇ ਕਿ ਮਨ ਇੱਕ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਦੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਦੇ ਨਾਚ ਕਦੇ ਰੰਗ ਕਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇ ਬਖੇੜੇ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਖੇੜੇ ਜੋ ਜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਰਾ ਤੂੰ ਅਮਰ ਲੋਕ ਕੋ ਇਹ ਪੜੇ ਵਸ ਕਾਲ ਹੋ ਇਹ ਜੀਵ ਤੂੰ ਅਮਰ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਚ ਆਇਆ ਵਿਆ ਮਨੇ ਸਰੂਪੀ ਨਿਰੰਜਨਾ ਤੁਮੇ ਰਾਖੇ ਫਰਮਾਈ ਹੋ ਇਹ ਮਨ ਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਲ ਪਾਤਾ ਹੋਰ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਜਾਪ ਨੇਮ ਵਰਤ ਪੂਜਾ ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵਸਾਰਾ ਹੋ ਜੈਸੇ ਵਧਿਕ ਉਹ ਟਾਟੀ ਕੇ ਦੇਵ ਸਵਾਸੇ ਚਾਰਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਲ ਤਾਣ ਕੇ ਨੀਚੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਉਲਟ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਯੋਗੀ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿਸੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਇਸੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਪੀਹਾ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰਿਓ ਪੰਛੀ ਨਾ ਗੇ ਰੋਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਏ ਹੁਣ ਬਿੰਦ ਖੁੱਲਿਆ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਜਗਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕਰਮਨ ਕੇ ਬਸ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋ ਜਨਮ ਧਰੇ ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਭਾਵੀ ਕੇ ਬਸ ਮੈਂ ਸੂਰ ਸੂਰ ਤੁਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਨਲਕਾ ਇਸ ਚੱਕਰ ਪੈਣ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤਰਲੋਕੀ ਤੇ ਪਰ ਚੌਥਾ ਲੋਕ ਹੈ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਮਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਚੌਥੇ ਪਦ ਨੇ ਜਿਨ ਕੀ ਜਿੰਦ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ੀਰਾਂ ਚ ਕੈਦ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ੀਰਾਂ ਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਹੈ ਜੇਲੀ ਹੈ ਜੇਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਨ ਤਨ ਸੁਖੀਆ ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਤਨ ਧਰ ਸੁਖੀਆ ਸੁਣੋ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਹੈ ਹਾਂ ਤਨ ਧਰ ਸੁਖੀਆ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਾ ਜੋ ਦੇਖਾ ਸੋ ਦੁਖੀਆ ਹੋ ਉਦੇ ਆਸੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਸਭ ਕਾ ਕੀਆ ਵਵੇਕਾ ਹੋ ਤਨ ਧਰ ਸੁਖੀਆ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਾ ਜੋ ਦੇਖਾ ਸੋ ਦੁਖੀਆ ਹੋ ਡਾਟੇ ਬਾਡੇ ਸਭ ਜਗ ਦੁਖੀਆ ਕਿਆ ਗਿਰਹੀ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਡਾਟੇ ਬਾਡੇ ਸਭ ਜਗ ਦੁਖੀਆ ਕਿਆ ਗਿਰਹੀ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਸੁਖਦੇਵ ਆਚਾਰਜ ਦੁਖ ਕੇ ਡਰ ਸੇ ਸਰਬ ਸੇ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਤਨ ਧਰ ਸੁਖੀਆ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਾ ਜੋ ਦੇਖਾ ਸੋ ਦੁਖੀਆ ਹੋ ਜੋਗੀ ਦੁਖੀਆ ਜੰਗਮ ਦੁਖੀਆ ਤਪਸੀ ਕੋ ਦੁਖ ਧੂਨਾ ਹੋ ਜੋਗੀ ਦੁਖੀਆ ਜੰਗਮ ਦੁਖੀਆ ਤਪਸੀ ਕੋ ਦੁਖ ਧੂਨਾ ਹੋ ਆਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਕੋ ਵਿਆਪੇ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਾ ਸੁਨਾ ਹੋ ਤਨ ਧਰ ਸੁਖੀਆ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਾ ਜੋ ਦੇਖਾ ਸੋ ਦੁਖੀਆ ਹੋ Yeah.
कहूं तो कोई न माने झूठ कहा नहीं जाई रे, सच कहूं तो कोई न माने झूठ कहा नहीं जाई रे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन्हे रहा चलाई हो, तन भर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो, तन भर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो। अब तू दुखिया भूपत दुखिया रंग के दुखी बपरीती हो, अब तू दुखिया भूपत दुखिया रंग के दुखी बपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया संत सुखी मन जीती हो, तन धर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो। जिन्ना ने मन नु काबू कीता ओ सुखी ने ओ कर पहुंचे ने। आप भी हस्ती भुलिया वड्डी हस्ती है, दूसरे पर मांगा प्राण फसाउंदा फसाउंदा जीवन आप भी भुलिया। फिर महात्मा चंददास कहंदे ने मंत कहना गुरु नानक साहब कहते मंत जो स्वरूप अपना मूल पछाण, तू होश कर तू कितों आया, ये वड्डी हस्ती है। मन ने आप गुमाया ज्ञान बुझाया दीप, कर्म लगा भरमत फिरो मिलो न अपना तीर, दौड़ दौड़ रसोरी होएरा कंगाल नागे भूखता ऊंचा बड़ा प्यार। अपनी हस्ती में भुलिया फिर संघ फसंद आप ही फस गया, होश ही नहीं भी इधर देश चौथा लोग इस तरह से धक्के खाने। जिन्हें मन न काबू कर लिया बड़े बड़े भी काबू नहीं आया। किमें आंदा कोई इलाज नहीं है, हजारा जप तप बगैर कर लो, ये कुदरती अमृत वर्ष रहे उन पी के फिर काबू आना। मन मुझसा पिंगल बया पी पर हरना, बिन गुरु शब्द मन नहीं ठौरा, ये मन खिन प्याली जब लग शब्द न जाने पढ़ दे दिया और शब्द रहा शब्द अंदर है शब्द अमृत वर्ष रहा है। जिन जिन वर्ष अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचारा। फकीर ने आख दिया कोई प्योरे राम रस प्यासा, दद्दू साहब कहने गगन मंडल में अमृत वर्ष उनके घर वासा, वो शब्द तारे के अंदर आ रही है रेडवे सारी है जरे ऐसे करके मैं कहने राम राम का मतलब रमेता सुरामा जिन्हें जरे 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 नहीं है शब्द रूप जिम्मे इतने रेडियो की आवाजें सारे फिर दिए ना मालिक दे आवाज हुक्म कह लो नाम कह लो शब्द कह लो वर्ड कह लो कलमा कह लो जरे जरे जाए चाहते हुक्म बरते प्रभ तेरा चाहते नाम पतालन सब में शब्द बरते प्रभ सच्चा कर मिले बतालन। जरे जरे चाहे रेडियो की तरह सारे मुसलमान कलमा कहने कलाम इलाही कहने बांगे आसमानी कहने ने ईसा ने बढ़ के है खुद विच अमृत है ओदे सुन दा जरिया इहदे अंदर है, ओदे सुन दा जरिया इहदे अंदर है। इत्थे रेडियो वेव्स हैं सुन तां नहीं सकदे, जे रेडियो स्विच लगाउंदे सुन लैंदे आ। इस तरह सारे जरे जरे चाहे ओदे सुन दा जरिया दे अंदर है, का सुन दा वो अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म आवाज है। इस जिंदे मन दा सवाल है, जिंदा मन ने क्या है कबरां जाना नहीं, मर्द वक्त की हुंदा है दिशा टुट गए कबरां टुट गए यार दोस्तों टुट गए मां बाप भैन भाई टुट गए, देह च भी निकले ये देह च निकले जड़ चेतन कट खोले ख्याल अखां दे पिछे इकट्ठा करे इथों शुरू हुंदा इथे सुन सकदा ठाके ताप त्रहाए दस महीने च करवासा पाए उथे अणहद शब्द बजे दिन राती गुरमती शब्द सुना बनिया। कोई गुरमत वाला फकीर मिले दसे सारी दिन बारे बार फिर एक रास्ता सब दे अंदर कर दे जान दा, बाकी सब काल देने थले दी भगती है उन्होंने फल है। लेकिन जन्मन दे बंदे छुट दे असली भगती की है सोधत सोधत तप्त बिचारे हो भगती से पूरी कहो नानक एक राम नाम बिन अवर सगली दूर। चार वेद की व्यास ने अर्थ विचार विचार तामे निकसी भक्ति ही केड़ी राम नाम तत्सार, करें तपस्या नाम बिन यज्ञ योग और दान चरण दास कहता सभी थोथे जान।
कई बार जो यज्ञ करे योग करे चितलाए चरणदास का नाम बिन सभी अकाले जाए। सारी दुनिया बार बार लड़ लड़की मर गई, मिट्टी पीछे लग गई सारी दुनिया। तब तक प्यार छेडे विश्व कर छेडे अंदर जाए तो सुने जी शिवशन से शिव आवाज होंगी है असं कि सुन रहे हैं। असं कहने चुप करो भाई, सारे ख्याल कर दें, ए बह जाने कोई गल सोचते हैं, हथ पैर सौ जाते हैं, ठीक है कोई नुकसान तो नहीं, फिर अपने हो जाते हैं। इस तरह सिमन कर करके ख्याल में टिकावे सारा जिसम सौ जे, इन कहने जड़ चिंगा खोलना, इन कहने जिंदा मरना, मोया जित कर जाइए जीवन मन मार। सोचो जिंदगी च यही मुसलमान फकीर कहते मौतू कि मौतू मरने से पहले मर, दादू पहले मर रहो पाछे मरे सब कोए, ये जिंदा मरे इन नई जिंदगी मिल जाए। मुसलमान फकीर ने लिखा तो मेरा दोस्त पेश मर कर में खोए जिंदगी, ए दोस्त मन पहला मर तेन एक नई जिंदगी मिल जू। ये मन ते डरदा, मन ने तो सब जग डरे जीवन लड़ सब कोए, गुरु प्रसाद जीव मरे हुक्म बुझे सोए, मन कैसी मरनी जो मरे तो सजीवन हो सदा जिंदगी मिल जाए। अगर शब्द सुन ले, अगर शब्द तुल पाए समझ मालक ना पै गए है, तो इतने भी धोखे कई वो भी काम फिर जरिए मिलता है। शब्द मिले तो हर मिले सेवा पर सब थाए, सुरत शब्द में राखिए तब पहुंचे दरबार, कह कबीर हम देखिए बैठे कुछ मार। शब्द ना सुरतांतरी कहो कहां कर जाए, द्वार ना पावे शब्द का फिर कोई भटका खाए। सोच लो पढ़ दे भी हाँ जीवन युवती कोई रास्ता। सोचो सारे इंसान सब जीव मालते बनाए, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई, सब की पैदाइश का तरीका एक ही है, मौत का तरीका एक ही है, तो मालक न कर जाने का कोई दो है। सब काल ने बनाए जुग जुग भगतान नहीं रखता आया, डैंक पुत्र पहलाद गायत्री तर्पण कशु ना जाने शब्द मेल मिलाया। गुरु नानक साहब सिद्ध मिले उन्होंने पूछया किस भी पुरखा जन्म वटाया काहे को तू एमन लाया, किस भी आशा मनसा खाई किस भी जो निरंतर पाई, क्या महात्मा तेरे जन्म कि मुकया, तू कि गुरुख बनिया क्यों मन नु काबू किया। उन्होंने फरमाया सतगुरु के जन्मे गवन मटाया अनहर राते ए मन लाया। जब कोई काम फकीर मिलिया मेरे अंदर नाम का बीज पाया जिन्होंने असं कहने जियादान पढ़ते हैं, जन मन दो में ना ही जन परोपकारी आए, जियादान दे भक्ति लाने से लाइन मिलाया। इनिशिएशन कहने ने बैठ होना कहने ने, जिम्मे इतने अफसर भर्ती करना आते हैं लिस्ट चली जाती है वह भी भर्ती करना आते हैं, खास खास जीबा वास्ते आने आम नहीं। जिम्मे इतने छोटे हरियाणे के महकमे ने सेंटर के भी ने, सेंटर का सतगुरु वाला काल का दूसरा वो ये भगती सिखाते हैं, उन्होंने लिस्ट जाती है उत्थे वो फिर गवर्नमेंट जिम्मेवार है। सतगुरु के जन्मे गबन मटाया अनहर राते में ए लाया, जब मेहनत की आनंद आ गया उस ऐसा रासा है उस मुकाबले कोई लज्जत नहीं। फरीदा शक्कर खंड नवात गुड़ माखियो माझा दुध सभ्य वस्तु मिठिया रब न पुजन दुध, मिठी ते मिठी चीज है ये रस लवे ये रस सब दे अंदर है। काया नगर नगर है निको बिच सौदा रस कीजे, सोचे जिन्हें कर लिया जिन्हें रस ले लिया तुलो की दौलत ने भी लत्ता मार दा। बसुद्धा सब दीखा सागर कटकन चिन काट के डीजे, मेरे ठाकर के जन इन वंशे हर मांगे हर रस दीजे। गुरु रामदास ने लिया कहंदे ने कि जिन्हां ने रस ले लिया उन्होंने अगे इस दुनिया के सत बलैता ने सत्ते समुंदर ने सारी दौलत कट के रख दो। उन्होंने पूछे ये लैनी है कि राम रस लेना, वह कहना मैं रस लेना। दसां जी क्या करते सी, देखो भाई तुम लड्डू का रस लिया जलेबियां लिया अंगूरों का लिया होर होर रस लाया, पर जरा रस मालक ने रखे थोड़े अंदर ना लिया अनहराधे ए मन लाया आशा तृष्णा शब्द जलाए गुरमुख ज्योत नेत्र। जब पीना सारी आशा तृष्णा खत्म हो किस चीज नहीं रही, ये रस तो जोग जोग से आया अंदर नाम प्रगट गुरु अमरदास 72 साल की उम्र तक जप तप तीर्थ वर्त सब कुछ करते रहे, फिर गुरु साहब की शरण चाहे दिनों कड़ी ते कड़ी सेवा की रात में किली ना केस बनने, फिर मालक की प्राप्ति की
नतीजा की देंगे ने। हर की पूजा दुलंबा संतो कहना कछु न जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई नाम पूज कराई। कैसे सारी दुनिया मल की पूजा कर दी है, जिड़ी असली पूजा वो मिलनी दुर्लभ है, मुश्किल है। वो की है, पूरा फकीर मिले, पूरा गुरु मिले, वो कह रहा तेरा सतगुरु तेरे अंदर है, तेरे अंदर सच्चा नाम है, उन प्रगट कर। बिना में और पूजना हो भाई परम पुली लुकाई, बिना में टोई ना ही तां जम करे खुआरी, जरूर जम तो हट जाऊ कल कुछ कर लो। सोचना उन्होंने प्रगट करना, ये असली सतगुरु की सेवा सतगुरु पर उनके अंदर रास्ता है। जेडी असि रोज पढ़ते हैं सतगुरु की सेवा सफला जे को गुरु चितलाए, बंधन तोड़े मुक्त होए, साचे रहे समय अनेक बंधन फंसा पाए, बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत करने और नार, बंधन कर धन किया, बंधन मन पिया, बंधन देह दाद हंकार, कम आदे मज मादे देशां दे रीतां दे बंधन फंसे, बंधन तोड़े तन चो निकले, ख्यालों अखा पीछे इकट्ठा करे फिर सुन। सब जप सब तप सब चित्राई उजड़ भर में राह न पाई, उल्टे रास्ते ने वो छुटकारा नहीं। बिन नाम कोई था न पाई, नाम उन्हें माथे छाई, ये अरे वाला नाम का और जो कर्म कराम ने तेनमें भाव जाता किन्ना ही कर लो, जरूर जिम तो जाए जरूर काल देता होगा। इधर फकीर हुआ जगजीव साहब ने लिखे है, मन में समझ हो जरे आई, बिना नाम नहीं सुख पाए हो, छोड़ दो भुलाई, जप कर लो तप कर लो कितने छुटकारा नहीं, शरद दर्शन कर लो जिते मर्जी फेर लो तक लो कितने छुटकारा नहीं। नाम ये रास्ता है, जुगा कोई रास्ता है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है चाहे सिख है, सब एक ही है। हाँ की कहने ग्रंथ साहब जब वो आते ने या मालिक आप खेल भी मालिक ने आप ही पाया, आप ही सब आप है, पैर आप पे थाप थापे आप पे वेग बीसता, पैरा कर चोज वेखे प्रभ आपे, आप पे बन तिन सत है प्यारा, जरे जरे चाहे आपे गुरु आपे गुरु चोला पाँदा है। वो खास खास रूहां वास्ते आंदा, आम नहीं, जिन्हों सच्ची तड़प सच्ची लगनी जी मीरा सी, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरे दर्द न जाने कोय की दर्द से उन्होंने की तली सी। राजपाटर के पास गने कपड़े उसे नौकर चक्र के पास कीमदाट कड़ी चीज की कमी सी, मालिक की प्राप्त की नट्ठी पजी फिरी, फिर मालिक ने मेहर की थी, फिर रविदास मिल गया, कई फकीरों को गई कहें सब ठगी निकली, चीज रविदास से मिली फिर की कहती है, सांखड़ी गली मेरे सतगुरु मिले किसवी फिर उठी, सांखड़ी गली चाहिए थे गुरु पाये, मैं नाम रत्न धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन अंदर समायो, जिसकी चोरी कब ना हुए सदन मैंने पायो, खर्चु लाख नहीं हुए दिन उदार गए। सोच लो ये असली दौलत है, नाम शांति बाकी ते नहीं कोई अंदर, नाम मिले मन तृतीय बिना मैं त्रिविवास, मिलता कि मैं कोई गुरमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रास, तीस विटो चौखुनी मैं नाम करे प्रकाश, जब दुकान फकीर मिले वो समरसता दसे जावे अंदर फिर मिलता है मैंने चीज अंदर फिर दबार, इस जग में नाम अलग है ही नहीं, ये लफ्ज तो बदलते रहे बदलता ही नहीं, देख लो भी मिलते जाओ पच्ची मिलते जाओ अगे ते अगे अगे ते अगे, जब बोली बदल जाती है, जेड़ी अंग्रेजी ईसा दिवक से होनी, जेड़ी पंजाबी गुरु नानक दिवक से होनी, लेकिन उस कोई तब्दीली नहीं, हिरदे नाम साहब तो नेचल कठिन की पाई बाहु, एक कलमा सानू यार पढ़ाया जरा उनका लम्मा, ईसा ने कहा दी ग्रास विद द फ्लावर फेडेथ बट द वर्ड ऑफ आवर गॉड स्टैंड फॉरएवर, का सुपियो फुल मरजाजू, लेकिन खुदा का कलाम उसी तरह रहता है, वो ये करता रहता है। की कहने जब आने ने की कहने ने जब सब कोई आप आंदा या अपने गुरुखानू पे इधर की कहने ने क्या जी तेरा देश अति खुशी और शांति का है, आनंद है, सत लोक अमर लोक मुकाम हक कह लो, तू काल दे बस चाहे ओरे यंट काम तो लोगों का तेरी मिट्टी पीत कर रहे हैं, अपना अपना कम कर, तेरा कोई मतलब नहीं, जिन्ना कम कर दे इन्होंने कर दे, काल काम का या क्रोध का या लोभ का या मोह का या हंकार का आत्मा का कहड़ा कम है, सोच लो तेरी मिट्टी पीत कर देने और देश चाहके तू जिन्ने शांति वास्ते समान कट्ठे करता है उन्नी शांति बढ़ती है, किसी शांति है। सोच लो राजे महाराज शांति है, माया में शांति है, जिन्ने विषय प्रयोगदा उन्हें दुख
ਜਿਹਨੇ ਲਸਤਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਦੋ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਭੋਗੇ ਰੋਗ ਸੰਤ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਲਓ ਮਿਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲਸਤਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸੁਖਲੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕੱਲ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਖੋਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋਏ ਉਗੰਡਾ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕੱਢਦੇ ਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਏ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਦੇਸ ਆ ਉਹ ਮਹਿਰਮ ਹੋਏ ਸੇ ਜਾਣੇ ਸਾਧੋ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਵੇਦ ਕਿਤੇ ਪਾਰ ਨੀ ਪਾਵਤ ਕਹਿਣ ਸੇ ਨਿਆਰਤ ਕਿੰਗੀਆਂ ਮੱਝਦੀਆਂ ਬੀਨ ਮੱਝਦੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਮੱਝਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦਸਾਂ ਪਿਛਲਾ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਜ਼ਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸੀ ਦਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਸਭ ਉਸੇ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਕਹੋ ਫੀਰੇ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਗਿਆ ਇਹ ਨਕਲੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਧੱਕੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡਪੰਥ ਚਲਾ ਲਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਗਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬੋਲ ਐਸਾ ਫਸਾਇਆ ਉਹਨੇ ਬਸ ਹਾਂ ਬਾਈ ਸੁਣੋ ਬਾਈ ਇਸ ਦਲ ਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਧਨ ਦੀ ਖਾਣ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਰ ਛੱਡ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਹ ਛੱਡਦਾ ਨੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਧਨ ਮੁਝ ਮੈਂ ਖਾਨ ਖੁੱਲੀ ਗੱਟ ਮਾਹੇ ਸੀਤ ਮੀਤ ਹੀ ਦੇਤ ਹੂੰ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਯਾ ਖੁਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਫਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀ ਨੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੀਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਬਸ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੰਕਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਕਤ ਪੰਜ ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬੋਲ ਬਾਈ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਾਤ ਇਹ ਕਰਮ ਜਾਲ ਚ ਫਸਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰਮ ਖਤਮ ਨੀ ਹੁੰਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਪਿਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾ ਲੈਂਦਾ ਕਾਲ ਕੁਛ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਖੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 100 ਜਨਮ ਦਾ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ 106 ਜਨਮ ਪਿੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾ ਅੱਜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਡਾ ਸਟੋਰ ਪਿਆ ਇਹਦਾ
सब कोई मुकावे तो मुकावे, ऐसे रोज पढ़ते हर महीने, किरत कर्म के पिछड़े हर प्रब मेलो राम, चार कूट दैदिस भर में थका है प्रभ की शाम, कर्म जाज फसे हैं सब, स्वर्ग नरक सारे तके खाकर थक गए, तू ही कड्ढे तो कड्ढे, ये दात उन्हें अपने हाथ से रखी है, जेड़ा सच्चे दिल पुकार करता वो तो मेहर करता बाकी नहीं। हाँ, ये प्रेम का शब्द है, साच कहूं सुन लियो, सभी जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पाया। गुरु तेग बहादुर ने पुकार की थी, माई ना अब मैं कौन उपाय करूं, जय मित मन कब संसार चूके भवनित पार करूं, जन्म पाया कुछ फलो ना कि नो ताते डरूं, केड़ा पला आत्मा तो कल्याण नहीं किया, बाहर तो फा है, सोच लो ये है, ये पला करना सी, आत्मा कल्याण करना सी, बाहर तो जिन्हें दोगे तो लाओगे, जिन्हों ये तो लाओगे दोगे, इस सिलसिले इस तरह। हाँ हाँ जी तुम कर आओ मेरे मीत, तुमरे दोखी हर आप निवारे, अब दबाई बतीत, तुम कर आओ मेरे जिन तुम भेजे तिने बुलाए सुख सहसे दिखारिया, जिस मालिक ने कहने है, जिस मालिक ने तुम्हें भेजे मैं वो संदेश लेके आया, चलो अपने देश अपने सतगुरु को कित्थे आओ, सहज स्थिति सहज अवस्था च, वो है कित्थे त्रिलोकी ते पार चौथे लोक च, त्रै गुणा में सहज न पाए, त्रै गुण पर बुलाए पढ़िए गुनिया कितने जो मुंडो कुछ जाए, चौथे पद में सहज अगरों पले पाए, जिसे मतलब किसी रोज पढ़ दे, पढ़ लेने दो वक्त बेचारे नहीं कदे, आनंद भया मेरी माया सतगुरु में पाया, सतगुरु में पाया सह से मन विजिया बधाइया, राग रत्न परिवार पर शादगा मनाइया, के मैं ऐसा आनंद हासिल किया, गुरु अमरदास जी कहते ने कि किन्नी मेहनत की उन्होंने, कहते सतगुरु पा लिया है कितने सहज स्थिति सहज अवस्था त्रिलोक चौथे लोक च है, आनंद भया मेरी माया सतगुरु में पाया, सतगुरु में सहज स्थिति मन वजिया बधाइया, राग रतन परिवार पर शब्द गाइया, उत्ते अजीब देश है, खुशी और शांति का देश है, उत्ते खुशी खुशी है, शांति शांति, वह आनंद हासिल करना सी, ये साढ़े वास्ते लिखे भी तुम करो, वो अति खुशी और देश है, बेगमपुरा शहर को ना दुख दो नहीं को ठाओ, ना तस्वीर ना खराज ना माल खौफ ना खता ना तरजवाल, कि उस देश का नाम रुपदास कहता बेगमपुरा उसे कोई काम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, ना कोई गुनाह करता ना गुनाह की सजा है, सोच लो उसे सुख ही सुख है, उसे देखो मालिक सतपुरुष है, इतने तीजे दिन गवर्नमेंट वे बदलती नहीं, खजाने भरपूर ने, सोचो उत्थे कोई टैक्स नहीं, उत्थे ओ देश सदा आबाद है, तां कदे हड़ आ गया कदे पुछाड़ आ गया कदे कुछ हो गया कदे उत्थे है ही नहीं सवाल है, ले लो कहना हाँ तो मैं चुमार रविदास पर मेरी भी खुलासी हो गई है, उत्थे जिहड़ा जांदा हर तरह आजाद जिथे मर्जी जावे, कुल खंडा पेमेंट कोई रोकने वाला नहीं, सोच लो वो साडा देश है, ये कहंदे ने कि चलो उत्थे मैं उदा स्नेह लेके आया, चलो जिन्हें जाना है आंदे सानू ना कौम बनाउंदे ना मजहब बनाउंदे ने, वो कहिंदे चलो उत्थे मगर ये कौम मजहब है, बस असली है आंदे इस वास्ते ने। हाँ हाँ जी, गुरु गोबिंद सिंह ले गया बाद दे विच अकलां खराब कर दिंदियां ने, किवें हाँ जो जो हो सकत में सियाणा तीन तीन अपना पंथ चलाना, एक एक मस्जिद किन्ने किन्ने फिरके बन गए बोल, एक मोहम्मद 72 फिरके, एक होर चल पे है। वो कहने मुसलमान ने उन्होंने कुट पाकिस्तान पहले मारन भी लगे केड़े नो हो एमबीए हां एमबीए हां एमबीए बोलो, सिखां दे किन्ने बन गए हुण बोलो, ईसाइयां दे किन्ने बन गए,
बाद च कि हाल हों जरा वक्त इस जिंदगी च फायदा उठा गया नहीं तो धक्के खाने बस इस तरह कोई किसे कोई किते कोई किते कोई किते हां हां जी आंदे इस वास्ते चलो अपने देश हां हां जी केड़ा रास्ता हां अगे जिन तुम भेजे तिने बुलाए सुख से सती करिया आनंद मगल गुण गाओ सहज तुम ने चल राज कमाओ चलो अपने देश उठे खुशी मनाओ आनंद मंगल गाओ सहज तुम सह शब्द आ रहा जरा सतलोक तो उन पकड़ो अंदर भी निकल शब्द ने इतने रेडियो कि आवाजा ने कलकत्ते दी बंबई दी इंग्लैंड दी अमरीका सारिया ने इस तरह इतने आवे इतने किसे सुनना भी तुसी आ सकते मगर अगर आ नहीं ब्रह्म लोग शिव लोग इंद्र लोग सारे दी आवाजा ने कोई उत्थे वाला फकीर मिले वो सानू फिर उस रूप च आके मिलता सतगुर फिर उन शब्द पकड़ा वो कर जा सकता दूसरा नहीं साहित होना जो कि यही रास्ता है वो की कहते ने आके गुना सब कहते ने अगर तू मालिक मिलना तो की कर काम क्रोध पर हर पर निंदा लब लोभ तज होए निचिंदा परम का संगत तोड़ निराला हर अंतर हरस पाया कि काम छड़ दे विषय छड़ दे क्रोध छड़ दे न रूह फैल दी है प्राय निंदा छड़ दी निंदा कर करके तुम्हें काली हुई पई है निंदे निंदे लगी पड़ी है निंदा भली कहो कि नहीं मन मुकरन मुंह काले तिने निंद का नरके को भगवान बसाना सी मालिक ओ बसाले जड़ा बुरा बोलो निंदा कर करके देख लो दास ने क्या जो अड़सठ तीर नावे जो दौल सिला पजावे जो गांव करे कुल खेत जो अरपे नार शिनार समेत लंबा साहब लिखे है फिर की कहने निंद सोच साल विचारिया कह रविदास ने तक नरक सवारिया नरक अंधकारी बन गया निंदे छड़ दे काम क्रोध पर हर निंदा लब लोभ तज होए निचिंदा लोभ छड़ दे मालिक दी रज़ा च रहे जेड़ा कुछ किस्मत च लिखा के लिया वही मिलना दूसरे नहीं मिलना है उही लगी पई है लब लोभ तज होए निचिंदा ये सारे कर दे परम का संगत तोड़ निराला बाहर परम है अथा मिचे की है थोड़ा मेरा मेरा कर देने की है तो कूड़ा कूड़ पीछे लड़ के मर गई सारी दुनिया कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ वैसनार तो पौड़ी है पौड़ी चढ़े तो कोई ने पढ़ते पढ़े रह गए हम भी चाया हम भी गया हम जमे हम जमाया पौड़ी चढ़े ने हम छी किसी ने ना पट पट गड्डी लगी पट पट पड़ी साफ पट पट बेड़ी पाई पढ़ना पढ़ने च रह गए असली मतलब लिया ही ना अंदर कोई ना गया सोच लो ये छड परम के संगत तोड़ने वाला अगर तू छे तन का प्यार छ अंतर हर रस पाया तेन रस आने लग जू इत शुरू होंदम जो चमकदान देखे एन जोतना तू देखे जिम्मे नेरी रात लिशकारे होंगे ने तेरे अंदर भी जोत आने लग जू ये जोत जगाने ना मंदिर च मस्जिद च गुरद्वार च सारे भी आते ने और जोत असली अंदर साढ़े समझाने वास्ते ए फकीर होया वो कहता है माई मेरे मंत्र में जोत जगे बिन दीपित बिन बाती घृत के झिलमिल जोत जगे इस ज्योति का सगल उजाला देख तिमिर भगे सोच लो मुसलमान जो आने ने चिराग वही है ईसाइयों के कैंडल जो आने ने उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती ये तो कभी बत्ती खत्म होगी कि तेल खत्म हो गया कि बिया टूट गया बिन लोग बिन बाती सतगुर मिला जो होए ताही की नजर में आवे बिन सतगुर को हो नहीं बाको दर्शावे निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माई उन विच आवाज भी होने एक गुनाम साहब करें अंतर जोत अंतर बाणी सोचो और जोत नु प्रगट करे फिर एक खालसा बनता है पूर्ण जोत जगे कट में तब खालसा निकाल जाने इतने उन्होंने कहने जिंदा मरना क्योंकि सब अमन उठ सनातन हुआ तब जाने जा जीत हुआ जब मैं जिंदा मरिया सब तक मैं तुल पाया मैं सनातनी बन गया इतने आके रूप पाक हो जाती है जब पाक हुई यारी बन गया सोच लो ये नाम तारी बन गया राम नाम दी जो सब दे अंदर है ए, 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 नाम सच्चा सौदा बेड़ का नाम सच्चा सौदा नहीं
सोच लो सच्चा सौदा नाम है सच व्यापार राम गुरमति हलावन जीत मूल फल राम एक बाणी एक गुर एक शब्द विचार सच्चा सौदा हर सच रत्नी पर भंडार इतो ही निरंकारी बनता है। सोच लो गुरमुख राग स्वाद अंत त्यागे गुरमुख एमन भक्ति जागे बाले राग स्वाद छड़े अंदर भक्ति करे नाम प्रगट करे अनहसुन मन माने शब्द विचारी आतंक चीन भय निरंकारी फिर निरंकारी बनता फिर तो सब कुछ बन जाता है। उन लड़ लड़के मर गए बाहर किवें बने जब मौके ते आउंदे फकीर को नमा रख देना उस उलझ जाते सारे असल में मतलब यही है कि जिंदा मरो उन चलो अपने घर बस ये वास्ते आते तो कोई मतलब इन्होंने जो मालिक के फकीर ने वो ही सिखाते हैं ये रास्ता अंदर चलो अपने घर बस फिर सब कुछ बन जाए बाहर किवें बने जिम्मे कोई डॉक्टर दाखिल हों असं उन्होंने कहने लग जाए जी डॉक्टर साहब बने तो नहीं बनो तो जा जा कोर्स करू उपरों तो सारे बन गए कोर्स किसी ने मना किया उपरों उपरों सब बन गए कोर्स किसी ने मना किया लड़ लड़के मर गए सारे। हां हां जी चलो अपने देश हां हां आनंद रूप अनूप रूप का गुरु पूरे दिखाया फिर जिस फकीर से कम लेंदा उस रूप चाह तो मिलता है फिर उन्होंने असली शब्द पकड़ा आप पकड़ ला भी तेरे करता रास्ता बल्कि उस रूप साथ चल रहा है तो उन्होंने कहा नान कचड़ी तोड़ तू सज्जन संत पक्या तो जूंदे बिछड़े मैंने जैसी छोड़ सज्जन सही नाल मैं चल दे नाल चलन जिथे लिखा मंगे तिथे खड़े थी सन ये लम्मा कोर्स है जल्दी का काम नहीं कई कई जन्म लग जाने तरनदास अठ जन्म च गया ईसा ने लिखा पूर्व जन्म तेरे से अब तो मिटे न जाई तेरे द्वारा धनसाज की माथे मेरे लगाई दागे हुए तो रंग में जूझे बिन दागे भग जाई जो पुराने दागे हुए ने पुराने भक्ति है तेरी की जन्म दी है तरनदास अठ जन्म च गया इतने साढ़े पे कितने बच्चे ने एक तो गुरान साहब का चिताया भी आ गया हम साफ जहर का इन्ना बच्चे सारे दसी जाने जल्दी का कम नहीं इसे नहीं कर मंदा करे बैठे लगे रहे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ एक दिन कामयाब हो जाए ये छक के बह जाए मन तो लगता नहीं मन तो लगना नहीं इन्हें लड़ाई करनी पैंती है मन झगड़ा मन सच मन जीते जग जीत पढ़ते हैं हाँ साधो भाई बन जो भी लड़ाका मन को मार जीत जाओ युद्ध में खेलो ध्यान जुड़ाता सोचो हाँ इन्हें लड़ाई करनी पैदी तह जाए नहीं कह मैं जन्म बर्बाद गया। हाँ जी तो बोल हाँ जिन तुम भेजे तिने बुलाए सुख सैसे आनंद मंगल गुण गाओ सहज तुन ने चल राज कमाओ राज करना राज है लो कोई देखो लो कोई करु कोई मरु कोई पहले कह दें हाँ आनंद मंगल गुण गाओ सहज तुन ने चल राज कमाओ ने चल राज कमाओ तुम कर आओ मेरे मी तुम कर आओ मेरे मी तुम रे तुम वकीकन ने आ मेरे प्यारे आ मेरे मित्रों आ मेरे भाइयों चलो अपने घर तुम बुला रहे मालिक तुम्हें दोखी हराफ निवारे अब्दा भाई बतीत केड़े दोखी ने दे मन माया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ए दोखी ने ए दुश्मन ए ने इसे मिट्टी पलीत कर देने इन्हों दे कम कर देने सत जबरदस्ती कराने जेली है उन दो सिपाही ने पकड़े उन्होंने कहा कोठी साहब कर करदा आ कम कर करदा आ कम कर करदा तो नहीं चलता सिर पे डंडा है ऐसे काम करके हटने लगे दिखती नहीं काम करना चल मेरा काम कर दूसरे ने पीछे मारता क्रोध पे मार डंडा तो कहना ना मारू जेलन जाऊंगा फांसी चढ़ू मरवा दू मरवा दू जबरदस्ती सोच लो ये तो कहना चोरी ठगिया ना करा लोग करवा नहीं करवा
देख लो हथकड़ी तोड़नी सी बहुत बारी हथकड़ी दसे तू नहीं जी तू कोई इस दिन घेरे ही रहे छुटकारा नहीं होए इन्हें दुश्मन इन्हें पीछे लग गया पे इन तो ये ने इन तो जेड़े मिर्ग वगैरह ने उन्होंने तिका इन तो पंज लगे पे ने मिर्ग मीन घृंग पतंग कुंचर एक दोख बनाश पंच दोख सात जामे ताकि के प्रकाश मिर्ग ने कह रात में बाजा बजा देने शिकारी बाजे तो उसके मस्त है आगे से रख दो हम जो चढ़ दे मछली ने कह सचो जबान दा तो कोई चीज ला के सिर देने आंदे आ खिची जांदे हम भी चढ़ गई है देख लो इस रंग में तो एक ही कह सन पंज लगे पैने मिट्टी चीज होई पई है जी हां हां जी हां तो कहने चल ये तो मैं मेहनत कर रहे हैं सतगुरु तेरी मदद करूं ये चल रही ना तो मदद तो करे हैं हाँ हाँ जी जो कोई तो बच्चा अंदर स्कूल लेट हो गया जो खड़ जुए कहे यार बा पचा क्यों बन चुका ये तेरे छिप छिप तेरे सतगुरु तक ला दू हाँ हाँ जी याद रखो कीमती चीज मिली हुई है थोड़ा सुनना सुन बैठाओ जरूर चाहे कुछ भी हो जल्दी का कम नहीं फिर देखा कुरान साहब की कहने औखा है जैसा वित्त तैसा वास्ते अपना बल नहीं हारे अपनी तरफ कोशिश करो वो दिल की सच्चाई देखता मालिक को देखता है दुश्मन बाह पिया फिर मदद ही करता है मारना चाहता सही कहने उल्ट पुलट जप रहा हमी टेढ़ा सीधा होए टेढ़ा सीधा होए या का फल नहीं जाएगा कैसे लोग कोई नौकर दुकान पे बैठा है गाहक आए ना आए प्रसाद मिलो तुम बैठो हुक्म मन के और दोगे तुम्हारा ये तुलसी आदमी ने लिखा है बाप बाप आज शुद्ध में जिम्मे है करो उन्हें तजर्बे कैसे कहा गया है लिखे है मन दुश्मनी करना तुलसी करो इन्हें मुकाबला रखो हाँ हाँ जी क्यों ना किली केस बंद हो गई दिन पर रात तंदा प्यार छड़ गया तो सिखाया मिल जो हाँ लड़के आने देख लो पढ़ देना हाँ इंसान नजदीक ने रोटी भी छड़ देने रात में जाग देने देख लो तुम जागो देखो फिर हाँ हाँ जी हाँ सब ठगे ने हमें मिल जाने हमें पाप हमें भजन हो गया बस हाँ हाँ जी बिन मेहनत किसी ने पाया रब नाम खजाना कर्म करतूत अमर फल लागा हर नाम रतन धन पाया मेहनत का कम है हाँ हाँ जी तुमरे दोखी हरी अपनी वारे तुमरे दोखी हरी अपनी वारे अपना भाई बती सुमन करता जब चिंग खुल दी है जो जो अंदर जाता उपर अंदर शांति आती है काम खुल दिया बुझन लग जाती है शील सुमन संतोख तेरे विवेक दिन तक डिब्बी आने लग जाती मीरा कहती है मैं ऐसा जपया राम राम दटे जब रविदास ने समझाया वह खूब सुमन किया तो पागों वाला रटे अगे की है कुछ पिछले कर्म भी खत्म हो गए अंदर अमृत वगन लग गया जो जो अगे जाओ हर दयाल अमृत है पहाड़ी तरफ जाओ जिन्ना अगे जाओ उन्नी शांति उन्नी ठंड चोटी जाओ पूरी ठंड इस तरह यह है फिर शांति आने लगे प्रगट की
ਸਿਰਫ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ ਨਾਸਨ ਫਾਜਨ ਠਾਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਿੱਠਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਟਿੱਕੇ ਉਹ ਰਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਪਰਗਟੀ ਕੀਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ ਨਾਸਨ ਭਾਜਨ ਠਾਕੇ ਲੜਾ ਲੜਾ ਮਾਤਾ ਦੇਖ ਲੋ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਪਰਗਟ ਕੀਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ ਨਾਸਨ ਭਾਜਨ ਠਾਕੇ ਕਰ ਮੰਗਲ ਬਾਜੇ शांति अमृत पी लिया अंदर बाजे बाजे पे ने कीर्तन उठते पे ने सोदा तेरा क्या सुखर क्या जित वह सर सुना ले बाजे तेरे नाद अनेक संख्या किते तेरे वाहन हारे किते तेरे राग परि सके किते काम हारे किन्नी गाउना है ये से सुनी पानी शब्द सुने बल्ला बल्ला बड़ी मस्ती आई फिर मस्ती किते गई ओ उतरे ना मस्ती ऐसी मस्ती है उतरे ना जिन्हों देखा ਜਿਹਨੇ ਲਜ਼ਤ ਲਈ ਉਹ ਬਾਜ ਸੁਣੇ ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਗਿਓ ਚਿਤਨਾ ਭਿਓ ਹਮਰਾ ਆਵਨ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸੀ ਜਬ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਰਗਾਹ ਚ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਚੁਬੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ ਚੁਬੀ ਰਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਹਮਕੋ ਸਮਝਾਇਆ ਇਨਕਾ ਕਈ ਲੋਕ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਨ ਜੇ ਬਸ ਹਾਂ ਅਸ਼ਮ ਤੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਈਸਾਈ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਮਸਤ ਅਵਰੇਜ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਰਗ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਪਲ ਕੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਦਿਸਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿਫਤ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰਦਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਦਿਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖਾਣ ਹਾਂ ਖਾਣ ਖੁੱਲੀ ਰਤਮਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਮ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੈਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਰਹਾਂਗੇ ਕੈਦ ਹਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਚ ਲਓ ਇੱਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਛੱਡੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਛੱਡੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਫਕੀਰ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੋਦੜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰ ਨੂਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਖਲਕ ਹਾਂ ਉਹ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਰ ਲਵੇ ਕਰ ਲੈ ਸਭ ਦਾ ਪਾਰ ਲੱਗਣ ਗਾ ਆਗੇ ਆਗੇ ਹੱਟੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਰਾਜਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਬੋਲੋ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸਭ ਸੇ ਕਹੂ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨੀ ਮਾਨੇ ਨਾਰਾ ਨਾਰੀ ਜਲ ਕਹਿ ਜੁਲਾਹ ਗਿਆ ਨੀ ਹਰ ਹਰ ਕਾ ਕੁਛ ਵੇਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਨੀਚ ਜਾਤ ਔਰ ਭਗਤ ਕਹਾਈ ਹਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ ਕਬੂ ਨਾ ਪਾਈ ਅੱਜ ਨੀਚ ਜਾਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮੋਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਸੇ ਹਾਰ ਮਾਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸਭ ਜੀਵ ਕਾਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕਾਲ ਲਿਖਾ ਜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਮ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ
दादू का पुकारी को माने नहीं हमारी पंडित काजी वेद तेबे पटपट मूल वारी वह तीर्थ में हज को जाते बूढ़े भगत धारी ईसाई सब धोखा खाया पढ़ अंजिल बेचारी हिंदू तुर्क साई तीनों कर्म धर्म पछारी नूर जहूर खुदा हम पाया उतरे भजन पारी। मैं कहना मैं नूर जहूर खुदा देखा तो देख लो तो कण पड़ा लगे कोई तीर्थ जाने कोई हजन जाने फिर पता ही नहीं कहना सुनता ही कोई नहीं कई वेला नहीं सुनिया असली तीर्थ के अंदर है नाम का असली प्राग के अंदर है असली अमृतसर के अंदर है नमूने ने बाहर है इंदा इंगला और सुखना तीन बचे ठाई बैणी संगम से प्राग मनोरंजन करते हैं कितना दिन संगम में अंदर रहो का अंदर अमर साथ साचा मन पीवे का सिपाही हो अंत निमन अमर साथ ना आए सदा सुचे साथ समाए सोच लो नाम का तीर्थ ना आवे सब मेरा साफ हो जाने और सब तीर्थ नाम है कल भी कट ना है। हाँ हाँ जी उठे भी अपनी रोशनी बारह सूर दी है बारह बारह सूबे सूर एन एस बाजी एन एस दूर फिर होश आती है मैं सतपुरुष की आंसर कितने फसे हैं। हाँ हाँ जी प्रगट की ने प्रभ करने हारे नाचन बाजन ठाके कर मंगल बाजे नित बाजे अपने खसम निवाजे अपने खसम निवाजे कर आओ मेरे मी क्या अल्लाह देंद्र कुदरती बाजे बाज रहे ने नगमे हो रहे ने राग हो रहे ने पर इन्हें कन्न नहीं सुने जाते कन्न हो रहे अखी बाजे दिखना बिन कन्ना सुनना पैर बाजे चलना बिन हत्ता करना जी बाबा जी बोल रही हूँ जीत माना नर को चाण के फस में मिलना ये तुलसीदास जी ने लिखा बिन पर चले सुने बिन कन्न कर बिन कर्म करे बिन नान ये सुने लिखा है इन्हें अखा न देख नहीं सकते इन्हें कनों की आवाज सुन नहीं सकते सब जन्द्र मोहम्मद साहब ने लिखा खुदा दी आवाज मेरे कन्ना विच आम आवाज आउंदी तरह आउंदी है तुहाडे कन्ना ते मुरन लगी हुई ने तन खोले सोच लो फिर सुने फिर इन करदा रस्ता मिले। हाँ हाँ जी कर मंगल बाजे नित बाजे अपने खसम निवाजे अपने खसम निवाजे तुम कर आओ मेरे मीत तुम कर आओ मेरे मीत गवर्नमेंट छावनी बना दी है कम किया छट के परे होगी जो लोग नहीं फकीर भी इस तरह ने जिन्हें हम जगह बने तो कितने बैठे कम किया अपने चले गए उसमें पीछे जो मर्जी हो ना सही हाल है। हाँ हाँ जी अस्थिर रहो डोलो काली ने भूल गए सारी सब रेंदे रेंदे भुल गए इधर से उधरों आए बागड़ चो रात तो होना से थे इन्हों के पिंड नाल सच नाल ना दूजा इधर वो कर्म सच उले पास इधर केलनिया केलनिया मुसा जी कहने देख मैंने ये किन्ना कराया कम मैया जल्दी कर असि तो कम लेना बापू कि डबर छड़ गया ब्यास अस भी छड़ जाने बाकी हाल है सब ने छड़ जाने में फसी है दुनिया कौन पीछे। हाँ हाँ जी अस्थिर रहो डोलो मत कबहु गुर के बचन आधार कहना क्यों हासिल होता है जेड़े मार्ग के हुक्म नाल मालिक दुर्गा जो की रहने ने उन्हें तो सब कुछ बोल दिया प्रभु जी वैसे साथ की रचना हमारा पत्ता बड़ा वे कि आपके संत कहावे
जिम्मे किसी ने डाकी की कहते डाकी बोलन लग जाती है इसे सब ही बोलता है उन्होंने बचना तो रहा अपने अकल ज्ञान में छे मन मत छे मन की मत त्याग हरिजन यह बात कठानी यही मुश्किल है ग्रंथ साहब कहते हैं जित मालिक मिलना है मुसलमान आए मुसलमान गल चली मालिक मिलने दी तो उन्होंने कहा अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे क्या खुदा दे बंदे ऐ खुदा दे मुतलाशी अल्लाह अगम क्या मन कभी गम तक परे ऊंची तो ऊंचे परे के परे है क्यों पहुंच जाते छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे सारे दुनिया के ख्याल कट गए ये पाई जाते दुनिया के ख्याल लोग तम सब से तोड़े तो अपनी भेडी आवे हो ख्याल कटे तो निकले ये वास्ते की कर हो पै खाक फकीर मुसाफर ये दरवेश कबूल दरा किसी और फकीर को जा जरा बहाने मंडल सफर करता है मुसाफर क्या सफर करता है वो तेन दस रस्ता दसूगा वो मुताबिक चल हो पै खाक फकीर मुसाफर ये दरवेश कबूल दरा फिर कहने सच नमाज अकीन मसला मनसा मार नार वासा दुश्मन नमाज पढ़ते ने जेड़ा वो दस देने वो नमाज पढ़ो सबने कर दुनिया की आसत तुझे छड़ दे नमाज कितने पढ़ते मुसलमान मसीत च कौन पढ़ा मौलवी दे मसीत ये मंदिर है सभी मसीत हर मंदिर श्री होए बॉडी सेंटर ऑफ गॉड दे मसीत मन मलन मन ला के पढ़ ये ना मन किधरे तू किधरे है अगर तीसरा पढ़े कल खुदाई पा करा तेन वो पाक कलमा तुमने सिखाने नाम शब्द वर्ड वो तुम सुनाई देखो तेरे करता रस्ता देखो जगह जगह टिके नहीं आया संतरा मारे तन की पौड़ी कोविड पागी पाए वो जरा रास्ता वो तन की पौड़ी है कोक जन्म के किल भी काटे हर चरने चितलाया है उन्हें सारे बंधन टूट जाने कर्म हर नहीं जाने ने पढ़ दे भी हैं क्या ये भी ना सारे कर्म करने सिमरन नाम के लिए सब काटे तनमय की कागर फाटे ये सिमरन करें ये नहीं कुछ रह भी जाने जिमदूत तो कोल नहीं आंदे जे माता जे काल नहीं आंदा प्रकृष्ण दूज ना जम नशे प्रकृष्ण काल पर हरे पढ़ते हैं आराम ना जान गए फकीर की निशानी ही है जेड़ा उन्होंने दसे सिमरन करूंगा मौत दे वक्त चाहे थोड़ा सिमरन है असूल ठीक ने आराम ना जाऊगा जिसमें अकड़ का छेती चेहरा पहले ना अच्छा हो ये निशानी है पंकी पौड़ी को पागी पाए पर पागाना लो संतो राम नाम निस्तरिये राम नाम प्रगट करो यही रास्ता है उठते बैठे हर हर प्याये अनंत सुकृत करिए उठते बैठते चलते फिरते लगे रहो स्मरण करो ना मा कह लोचना मुख से राम संभाल आत्मा कर काम सब चीज निर्णाल जिन्ना वक्त नहीं मिलता लग गए रह तुम्हारी तो कोई टाइम है बस अभी लग्या रह उठते बैठते चलते फिरते लग्या रह हाँ चलते फिरते नाम ले उठते बैठते बस हाँ जी हाँ अस्थिर रहो डोलो माटी का बहु मुर्खे बचन अदार जय जयकार सगल भूमंडल मुखी उजल दरबार अरे दोस्त तरह चल रहे हैं तेने अजीब मस्ती आ जू खुशी आ जू नई जिंदगी में जू देख लो अब मैं कर पहुंचेगा जिधर जाएंगा तेरी जय जयकार ब्रह्म लोक से शिव लोक की हाँ की कहने को अनुसार अब मोहे हाँ सुनो की कहने को जीवन पदवी पाई अब मोहे जीवन पदवी पाई चीन आयो मन उनकी दादा जीवन पदवी पाई
पूछे राज हमारा सद ही थल माल हमारा अखूत अबे कहने ऐसी जगह पहुंच गया मेरे मन से सब पूछे कोई हिसाब पूछने वाला नहीं होते तरमरण ताकत नहीं बोल बोल हाँ ऐसी जगह पहुंच गया तुम्हें संतन सुनाई शरण लेनी औखी है उन्हें हुक्म मनना औखा बस ये को मन के पहन करे ये पर मिल जाए पाई तान लिखे हाँ फिर बोल हाँ चीची आयो मन पुरखी विधाता संतन की शरणाई अब जीवन पदवी पाई अब जीवन पदवी कीर्तन हर हर गाय करम कृपा बैठा कीर्तन हर हर गाय शांति शांति है जब नट पज रही सारी मुक गई है हाँ ये शांति लेनी सी आगे ये जन्म नहीं तो फिर कहना गया लख चौरासी जून सुबाई मानस को प्रभि वडियाई इस पौड़ी तो जो न चुके सो आ जाए तो पहन तो फिर चौरासी क्या रहते वास्ते हाँ 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 जी काम तो लोभ मोहनी वारे निवरे सगल काम के लोगों का सारे ख्याल निकल गए इन्होंने मुकाबला रखना पैदा है कोई विरला जिन्हें काबू किया जिनमें मारे पांच सौ भी ऐसा कौन बली रहे सारे ये फसे पाए नहीं तो सब झगड़े मिट गए काल महाकाल सब काबू आ गए काम क्रोध लोभ मोह निवारे निवरे सगले बराई कम कम के नाल नाल ये हासिल करना सी कम कम तो संभाल करता है ये गिरदा गया कि जिद जपे वो अंदर ताकत बैठी है भाई जो कुछ गिर लग गया उसे खड़ की ताकत करे थे फिर ये भी संभाल होंगी है मीरा जहर भेजा अमृत बन गया सब भेजा हार बन गया देख दो कि मैं पहले आदमी हम चो देखने निकल के आ गया वो हर वक्त नाल है फिर हाँ हाँ जी सब हजूर हाजर है नाजर कत है ना भयो तोराई अब मोहदी ये तो कहना ही कहना ना तू सुन करके देखो फिर नाल नाल फिर हुआ कोई कर्म आया होगा हाँ कर्म भी कटा लूगा जेड़े हैं गे हाँ हाँ जी सब हजूर हाजर है नाजर जत है ना भयो दोराई अब मोह जीवन पदवी पाई अच्छे तो दो लोग मसान किन्नी दफा है जब आउंदे सी किन्नी खुशी हुंदी सी कोई चीज सी जेड़ी खुशी दिंदी सी सत्संग लिखा सी उधर बरात भी आई सी बरात आई सी तो बरात दे शादी पी के गलियों के पीछे हो कर दे आ गए उधर सत्संग लग्या सी सत्संग च बैठ गए होश ही नहीं रही शराब शूर का पता ही नहीं लग्या वो बुलाउण आए रोटियां वास्ते उठने ना जद गाया जाने आए जद कदे कीती नहीं
ਜਿਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਗੰਧ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੰਧ ਪਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਵੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਚਮੜ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਗੰਧ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਮਿਰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਮੁੱਚ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ ਛਿੱਟੇ ਦੇਵੇ, ਕੁਛ ਕਰੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਚਮਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਚਮਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇੱਕੋ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਸਿਆਣਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਟੱਟੀ ਚੱਕੀ, ਉਹ ਨੱਕ ਉਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੁਦਬੂ ਜੀ ਆਏ, ਉਹ ਬੁਦਬੂ ਦਾਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸੋਚਿਆ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਸਤੀ ਮਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਕੀ ਕਰ, ਕਿਹਦੀ ਰੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਟਕਾ ਤਾਜਮਨ ਕਰਮਾਨ, ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ। ਦਸ ਤੇ ਰੋੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਰੇਗੀ ਠੋਕਰ ਖਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੋੜਾ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜੂ, ਖੇ ਬਣ ਜਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਲੋੜ ਠੰਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੰਡੀ ਲੋੜ ਗਰਮ ਮਿਲੇ ਉਹ ਦੁੱਖ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਤੋ ਪਿਆ ਪਿਆ ਜੋ ਸੀਰਾ ਤਰਤਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰੀ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨਾ ਮਿਟਾ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਿਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਕਿਸੇ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਏਡੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਖੱਡੇ ਚ ਗਿਰ ਗਏ, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਗੁਲਾਹ ਦੇ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਲਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਲਾਹੀ ਨੂੰ, ਆ ਖੜਕਾ ਕੱਢ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਧ ਕੰਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਕੁਛ। ਕਹਿਣ ਕੰਧ ਕੀ ਗਣਿਆ, ਅਮਰੂਦ ਥਾਵਾਂ ਆਉਣਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਚਾਹਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਹਨਾ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਦਿਲ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਨਥਾਵਾਂ ਕਿਉਂ, ਮੇਰਾ ਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲੀਏ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖ ਲੋ ਜੀ, ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਟਾਵੇ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਕੁਛ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਰੀ ਪਈ ਦੁਨੀਆ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਵਿਰਧੀ ਕਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਖਾਲਾ ਸਗਲਾ ਸਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਟਿਕੇ ਵਿਕਾਰੀ ਗੁਰਪੁਰੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ, ਛੋਟਾ ਸੌਖ ਚਲੋ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਨਕਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰੋ ਤੂੰ ਮਾਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਦੇਖ ਲੋ, ਹਸਤੀ ਮਟਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਤੀ ਮਟਾ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਲੈ ਲੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੋਸ ਕਰ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਲੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਇਲਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਭਾਈ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰੋ ਆਸਾ, ਜੀਵ ਸਮਝੇ ਜੀਵ ਬੂਝੇ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਨੂੰ ਆਸਾ, ਮੋਏ ਮੁਕਤ ਕਹੇ ਗੁਰਸਾਰਥੀ ਝੂਠਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ, ਜੇ ਹੁਣੇ ਦੋ ਚਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨੀ ਪੜਿਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਜੂ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖ ਸੀਤਾਲਾ ਸਰਦਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਸੰਤ ਸਹਾਈ। ਹਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਗੈਰ ਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੋਰਸ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਪਾਵਣ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਾਤੀਏ
लेकिन भीतर मैं मां कथन न जाई। अब मुझे जीवन कदवी पाई। जिन्हें तेरे पाया उन्होंने उसे मैं की कर सकते हैं। हाँ हाँ निरपा पाए सगल पैको जब बाज पहुंच गया तो हम केड़ा की डर है काल महाकाल सब अगर ठीक फकीर मिल जाए ना सेन भी करता है वो नेड़े काल लिया दड़का मार के जिमतन करे कर दे अगर ठीक सिमरना किसी मौत होंगी हो गए ठीक फकीर मिला कोई होर अंदर बैठा सिमरन कर दे मौत दूजे दी है जिमदू तो अंदर न बढ़ना इतने बैठे नहीं गुरदाली बैठे ना सद्या हाँ प्यो ना आया तो बेहोशी जी पहले तो पिया से ये बार पिया से कहने निकल जा और बात करोगे इन्हें क्या गया कि इन्हें पीछे बापू की गल है अच्छा चार आया से काले काले कपड़े आए मैं निकल जाओ बाहर ऐसा नहीं देखे है महकमे अड्डा सब गुराला हाँ काल पर हर पढ़ते हैं कहा करोगे जब फुटे फाटे शब्द लेखा हो तो मैं कहीं बदल जाता है जिम्मे हरियाणा का मुलाजम जाके सेंटर चला जाए हरियाणा की कर सकते मेरी सुधर ये है जुग पर ले गई हम ही करने हार पहले मैं पहले हूं कल मैं ही सब कुछ करना इतने पहुंच गया बोलो ये हासिल करना सी ये डॉक्टर बन सकता इंजीनियर बन सकता ये भी बन सकता कोर्स करना पैंदा हां टोटन जुग पर ले गई हम ही करने हार हम ही करने हार हम करता के करता जे कर करता नाम आद में हम ही रहता कि नाम में सभी में मैं ही नाम दा मेरे अंदर प्रकट हो गया है वो कम करना है जिन डॉक्टर का ना डॉक्टर के अंदर कम करने लग जाती है वो नाम वो सदगुरु शब्द गुरु सब कम करने लग जाने में हाँ जी मर है ब्रह्मा विष्णु में मर है ब्रह्मा विष्णु मृत्यु न हो हमारी मर शिव के लाल मरे शिव की नारी मन जमन तो पहले दे है तो छटनी है तो बदलती रही है मरता कोई भी नहीं कैद है एक जेल चुका है दूसरी पास में बस वही छुटकारा हो गया हाँ हाँ जी धरती अगन आकाश मुआ पान और पानी आज ज्योत मर गई रही देतन की नानी पलटू हम मरते नहीं ज्ञानी ले विचार कोटन जुग पर ले गई हम ही करने हार जय जयकार सगल भूमंडल मुख उजल परिवार जात भी ओछी कर्म भी ओछा ओछा कसम मारा नीच से प्रभु की है पैर उदाच मारा हाथ मचुमार
करो ना जरा भक्ति करे जरा कोर्स कर ले हाँ। जय जयकार सगल जय जयकार मंडल मुखे उजाले दरबार जब संत जिता जीव अंदर जाता है रास्ते देवी देवते सब मिलते हैं वो तरस देने भी असि होंगे रास्ता अपना अस बर्बाद करते हैं वो भी नमस्कार करते हैं इस भक्ति हाँ जी जय जयकार सगल भूमंडल मुखे उजल दरबार मुखे उजल दरबार तुम कर आओ मेरे मीत जिनके जीत नहीं फेरे आते भया सहाई जिनके जीत नहीं फेरे आते भया सहाई अचरज किया करने हारे नानक सच वड जीव सी धक्के खाते गधे घोड़े बनते आप ही संभाल लिया चल गया कि आप ही संभाल लिया अपने कर लै गया हाथ तक ही हाथ नहीं सब ठगिया ने बाकी कार्ड बने पे ने अजकल वे मेरे साहब आ गर जमीरा गुणी जीरा कोई ना जाने तेरा खेता केवट किता चीरा लम्मा सारे शब्द आखिर कहने आखण वाला क्या बेचारा सुती परे तेरे भंडारा जिस तू दे तिसे क्या चारा नाम सस वाल उन्हें अपने हाथ रखे सब ठगिया ने बात जिन चाहता है वो गुरु ने मिला दें जिन्हें नहीं तो बस हाँ वो बोलता भजनगढ़ भजनगढ़ बांधो रे मेरा भाई बांधो रे मेरा भाई भजनगढ़ बांधो रे मेरा भाई भजनगढ़ बांधो रे धन सतगुरु तेरा ही आसरा।